नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपनको स्वागत करछु मु दुर्गाशीष। राज्यवासीक बड़ प्रश्न राज्य सरकार को आ प्रसंग रे प्रश्न उठौछि अर्गस जे प्रकृत रे परिकु न्याय केमती मिलिबो। एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नुह आउ एसआईटी पाखरे पुलिस क्षमता नाही। ए प्रसंग त रहिछि ता सहित जो 4000 पिला निखोज अछंती से पिहू हौ से नयागढ़ रा स्वाति हौ एमानंकु खोजिबो किए। आ बड़ कथा या भितरे संदेह घर को आसिछंती संध्यावती मैडम जे होछंती राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग अध्यक्ष। से किछि दिन तले जाइथिले आ आसिकी बळी थ्योरी सामना को आनिले। एबे बड़ प्रश्न जे संध्यावती मैडम काहा को घंटा घोड़िया पई प्रचेष्टा करूथिले ए जो षडयंत्र रे संध्यावती मैडम गोटे पार्ट नुहे कि आज ए अभियोग नहीं कि उभय बीजेपी आउ कांग्रेस घेराव करिया पई आयोग का ऑफिस को घेराव करिया पई उद्यम करथिले। तांकर ए अभियोग थिला बीजेपी महिला मोर्चा रो जे घंटा घोड़िया पई चेष्टा करूछंती संध्यावती मैडम। संध्यावती मैडम को बीजेडी लिंक भी आमे आपन को देखैथिलु जे से बीजेडी पिपिली टिकेट पई आसाई थिले। एबे भी पिपिली रे उपनिर्वाचन हबो टिकेट पई आसाई थाई पारंती। ता सहित से बीजेडी जिला परिषद बीजेडी टिकेट रु जिला परिषद सभ्य भी हेतिले। ताहाले ए पूरा घटना कॉन्स्पिरेसी रे तांकर रोल को नेकी प्रश्न उठुची। सेपटे बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती पुणि थरे अरुण साहूंकर बहिष्कार सहित सीबीआई तदंत डिमांड करिछंती। सेपटे कांग्रेस रे भी अरुण साहूंकर बहिष्कार डिमांड जोर धरुची। आज संतोष सिंह सालुजा विधायक भी एक कथा कहिछंती जे अरुण साहू इस्तफा दियंतु तांको बहिष्कार करा जाउ आउ और आउ आन थ्योरी नाही। एबे कांग्रेस रो थ्योरी होउची उभय एवं गिरफ अरे तांको बहिष्कार करा जाउ एवं तांको तदंत परिसर को रण जाउ अरुण साहू को। बड़ कथा होउची दायक रे टिके विजुअल चलांतु आज बीजेपी आउ कांग्रेस को भली भाबे आयोगों का ऑफिस घेराव करिया पई उद्यम करथिले। जो अभियोग थिला तांकर जे संध्यावती मैडम हेउछंती आयोग रो अध्यक्ष। दायक रे से विजुअल टिके प्ले करंतु टिके दर्शक देखंतु जे कोभली भाबे उद्यम करा जायथिला एभली घेराव करिया पई एवं तांकर जहां अभियोग थिला जे घंटो घोड़िया पई चेष्टा करूछंती संध्यावती मैडम। मो सहित तो जोड़ी हेछंती बीजेपी रो रश्मिरेखा मैडम बीजेपी नेत्री रश्मिरेखा मैडम जे भी उपस्थित थिले जो घेराव बेले। रश्मिरेखा मैडम आपनको स्वागत करूछि। प्रकृत रे आपनकर डिमांड कोन काहे कि आज बीजेपी महिला मोर्चा घेराव करथिला? शिशु बळी प्रथा चली भाया भाव परिग्र मानने बळी दिहाई बोले आपण केमी जानले पांच मस कौटी थे राज्य में वर्तमान 5323 शिशु मानने अतापत्ता ना 4000 शिशुंर डाटा आम पाखे ना। आम जो महिला मोर्चा तरफ प्रश्न पचारूँ से आम कौन प्रश्नर उत्तर दे पारे बर कहले जे राज्य में वर्तमान भी बळी प्रथा चली। आम मन में प्रश्न आसोश वर्षर सरकार नवीन बाबू सरकार आज बळी प्रथा को मैडम स्वीकार कर लज्जा विषय कौन अच्छी मैडम निजे जानी ना गत काली आज्ञा मुझे स्वातिर परिवार को भेटा जाइली से विषय जो मैडम को प्रश्न पचारे मैडम थंगे मंगे ही कहले ही पारे बोली आज्ञा शिशु आयोग अध्यक्ष संध्यावती मैडम एभलिया स्टेटमेंट राज्य आज बड़ प्रश्न सृष्टि कर मैडम परी संस्पर्श जो आसिले परी घर को जाते से आसिक कहले बोली हो पारे बोली कथा जो मैडम उठेले वर्तमान आमको लगुच 4000 शिशु आज गायब अच्छा ये 4000 शिशु को बोली दि जाए तो ये 4000 शिशु अंग चोरी जो रैकेट वर्तमान चली भाया रैकेट संप्रुक्त कर तो ये 4000 छुआ को मैडम जिते पर घर को जाते से मैडम अरुण साहू को घंट घोड़ेवा जाते मैडम शिशु आयोग अध्यक्ष हिसाब से नुहे जड़े बीजेडी स्वर्गीय नेत्री मुखपत्र हिसाब से जाते मुखपत्र भाया कथ आसिकले बी हो पाए ये 8 रु लज्जाजनक विषय किसी ना बीजेपी महिला मोर्चा आज प्रश्न पचार जा राज्यर 4000 शिशु कुआडे गले तार हिसाब दियो जवाब दियो ए कथा नहीं कि महिला मोर्चा आज अध्यक्ष को भेटापाइला से भेटा पर तो लगला जो मैडम पाखे कौन से डाटा ना मैडम पाखे कौन से विजन ना एभलिया जड़े अध्यक्ष जो कि बळी हो पारी थाए स्वाति विषय भी कहते राज्यर पीहू कथा कहतु आशु कथा कहतु स्वाति कथा कहतु परी विषय जो बळी कथा कहले ये मैडम किसी जानती ना राज्य सरकार को घंट घोड़ाप कि परी विषय से बळी कथा कही आठ लज्जा विषय आज्ञा कि ना जे बळी थ्योरी कौठू आणिले संध्यावती मैडम दिने गले चारिमास साढ़े चारिमास देखा नथिला गोटे दिन गले आ बळी थ्योरी कौठू आणिले जेते बेले कि कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र कहउछंती जे सब एते नष्ट हो जाइछि शरीर
जे कही हेबो नाही दुष्कर्म होइछि कि नाही आउ हत्यार कारण बा मृत्युर कारण ताहाले संध्यावती मैडम कोठु आनिले जे रेप एंड मर्डर होइथाय पारे ये पूरा षड्यंत्र गोटे पार्ट नुहति कि संध्यावती मैडम ये जो विजुअल आपण देखुछंती एठी तांकर बीजेडी लिंक जळ जळ हेकि दिसुची अर्थात मंत्री अरुण साहू को घंट घोड़िया पई ए प्रचेष्टा नुह कि जदि आपण सांविधानिक पोस्ट अच्छा ना आपण गोटे दलर मुखपात्र हिसाब से काम करुछंती ए प्रश्न विरोधी उठाउछंती जहार आपण उत्तर देवार आवश्यकता एथिपाई रही आपण शिशु मानंकर अधिकार सुरक्षा पई काम करुछंती ताहले पिहू स्वाति परी एमानंकर अधिकार सुरक्षा पई आपण कोनटा करिछंती जो 4000 पिला निखोज अछंती तांको पाई कौन करिछंती लेखिछंती कि तार तदंत करा जाऊ उच्चस्तरीय तदंत करा जाऊ ताहले आपण ए थ्योरीटा कोठु आनुछंती जे बळी हेथाई पारे ताहा माने ये गोटे घंट घोड़ा अभियान ये गोटे सुरक्षा दबार अभियान जो अभियान रे संध्यावती मैडम सामिल हे नाहंती तो ए प्रश्न उठिबा भी स्वाभाविक आज कांग्रेस आउ बीजेपी बीजेपी रा महिला मोर्चा माने ए अभियोग नहीं कि आज कमिशन को आय को ऑफिस रे घराव करिया पई उद्यम करथिले कांग्रेस मध्य समान ढग रे उद्यम करथिला बड़ कथा हेउची जे मंत्री जदि रहिबे तांको पद रे ताहाले निरपेक्ष तदंत केमती हबो वर्तमान सुनंतु बीजेपी राज्य सभापति समीर महंती परिघटना रे कोन रिएक्शन दैछंती लगातार भाव में 20 दिन है 25 दिन है ओडिशा रे परी को न्याय देवाई जनसाधारण लड़ुंता भितर भारतीय जनता पार्टी जो जोड़े दाबी कर मंत्री बहिष्कार एवं सीबीआई तदंत सरकार सीबीआई तदंत कहीं डरुंच कौन पर डरुं जो भाई भाव में एस आई टी गठन होला जहाँ को कांग्रेस समर्थन कले से एस आई टी अवस्था तो कौन है परी को नयागढ़ प्रशासन जाचिला 5 लाख टंका परीर माँ को सी तार बंधु बांधव ना को एबे पुणी जी गणमाध्यम प्रकाश पाई एबे जी अनधिकृत भाव में जी एस आई टी दायित्व अच्छे जार पुलिस पावर ना सीए पुणी केमती अर्थ जाचुंती नाबालक हिसाब से जेल चली जा एवं तुमको आमे परे तुमको साहय कर 5 लाख टंका दे ये कौन चलते राज्य क्या घंट घोड़ अपराधी को घंट घोड़ मंत्री मंत्री की घंट घोड़ सरकार एवं एसआईटी एवं सरकार को घंट घोड़ कांग्रेस ये तो सफा सड़क भाव जना पड़ जाए तो ये न्याय पाइबे तो सी ये भारतीय जनता पार्टी लड़े कर नियति दुईटी प्रसंग उठाउछंती सुक्त महांती प्रथम प्रसंग होची पुलिस नयागढ़ पुलिस जो प्रलोभन देखाइथिला अशोक साहू को जे 5 लाख टंका निय भाउजों ना कहदिओ काल जे छात्र ये अभियोग आणुछंती अरुण भोत्रा एस आई टी मुख्य कहउछंती 5 लाख टंका ने आउ मानी जा सबू मानी जा ए सांघातिक अभियोग आसुची वर्तमान शुणंतु संतोष सिंह सालुजा कांग्रेस विधायक कौन कहिछंती विधानसभा रे कांग्रेस दल तरफ डिमांड थिला एस आई टी हाईकोर्ट तत्वावधान रे तार डायरेक्शन रे गठन करा जाओ एवं तार इंक्वायरी बा तदंत करा जाओ एटा होची सरकारन को मॉनिटर एसआईटी किंतु आमर निर्दिष्ट स्पेसिफिक डिमांड थिला कि कोर्ट रो तत्वावधान रे एसआईटी ता तदंत करंतु आमे चाहू कांग्रेस वाले चाहू कि परी रो जे हत्या करी परी पछरे कौन रहस्य अच्छी सेटा लोकलोचन के आसु एवं परीर विरुद्ध रे बा परीर हत्या रे जो माने जोड़ित अछंति सेमान को निश्चित भाव रे दंड मिलु एवं नैतिकता दृष्टि रु माननीय मंत्री तत्काल इमिडिएटली इस्तीफा दियंतु परीर माता पिता बा माँ बापा से माने अभियोग करिछंते कि तांकर डायरेक्शन रे बा तांकर लोक ये सब घटना घटेछि सेति पई माननीय अरुण साहू मंत्री रहिले याकु इन्फ्लुएंस करिवार चांस अछि सेति पई निजे माननीय मंत्री तांको पदरु इस्तीफा दियंतु एवं से इस्तीफा देले निश्चित भावरे निरपेक्ष तदंत होइ पारिबो देखंतु आमर जहां डिमांड थिला
संतोष सिंह सालुजा भी डिमांड करुछन्ते मंत्री अरुण साहू इस्तफा दियंतु नहले से इन्फ्लुएंस करिवे। प्रदीप्त आम सहयोगी आम रिपोर्टर अछन्ते। प्रदीप्त, पूरा घटना आज कौन थिला? कांग्रेस आउ बीजेपी आज राज्य शिशु सुरक्षा अधिकार शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग ऑफिस रु घेराव करिया पई चाहुतले, कौन थिला डिमांड? प्रदीप्त, निश्चित भाव दुर्गाशीष आपण जो कथा कहले, प्रथमे बीजेपी महिला मोर्चार पाखापाखि 10-15 जन कर्मी आसी परी पिहू एवं स्वाति जो शिशुगुड़िक शिशु मैंने निखोज होती परीर मध्य हत्या हो तो यही घटना पछरे प्रकृत कारण कौन रही दीर्घ दिन धरिकी कहीं पुलिस कार्यानुष्ठान ने नाला जितेबाला चाप पकाइले विभिन्न विरोधी दल और जनसाधारण ए प्रसंग को लेकिन सामना को आसिले राजरास्ता को ओह्लैले परवर्त समय सरकार यह परी प्रसंग परीर हत्या एसआईटी बसाइले तेणु यही घटना गुड़िक घटी विशेष भाव में आज शिशु अधिकार आयोग जो अध्यक्ष अच्छा संध्यावती प्रधान भेटापी जो महिला मोर्चार प्रतिनिधि दल और कांग्रेस एक प्रतिनिधि दल आसते से दाबी थी से अभोग शिशु अधिकार आयोग बली कथा कहीकि केमी घटना को टाणी देवाई चेषा करेतु जड़े कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री अरुण साहू कृषि विभाग मंत्री जी अच्छा ना आसूँ से सरकार जाशु ये घटना को टाणी देवाई चेषा कर निजे संध्यावती प्रधान को नारे मध्य जे अध्यक्ष अच्छा शिशु अधिकार कमिशन रो नारे मध्य अभियोग आणिले जे सी केमी जाणिले किसी प्रमाण न पाई कि सी केमी बली कथा कहीपारे जो भी शिशु निखोज होती जहाँ ना से जिते जाकि भेटिले से जहाँ ना कहले जहाँ भी अभियोग रखिले अभियोग से कह कथा जे संध्यावती प्रधान जहाँ रिप्लाई थी से कही बली हो पाए तेणु कौन सी प्रमाण न पाई तदंत संपूर्ण न हो केमी बली हो बोली जो अध्यक्ष केमी निष्कर्ष पहुंची गले बर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि होते बीजेपी और कांग्रेस प्रतिनिधि दल भेटिक गले परवर्त समय जिते आम मैडम संध्यापति प्रधान जिते प्रतिक्रिया नापाई पाख को जाइलु से प्रतिक्रिया रखिंट जो राजनैतिक दल मैंने आसी भेटापी से व्यक्तिगत जो मत कि जो आयोग चेष्टा करुछि किंतु एटी गोटे प्रश्न से उठाइले एटी गोटे प्रसंग उठाइले जहाँ निहाती भावे निहाती प्रश्न सृष्टि होउछि कारण से कहिले जे जेहेतु लॉकडाउन चलिथला जेहेतु कोरोना समय थिला सेथिपाई जो ऑपरेशन स्माइल ऑपरेशन मुस्कान एवं जो चाइल्ड ट्राफिकिंग जो सब कार्यक्रम रही सरकारंकर ताहा बाधाप्राप्त होइथला किंतु एटी प्रश्न उठुछि ता पूर्वरु जो शिशु माने निखोज होइछन्ति जो 5000 ऊर्ध शिशु निखोज होइछन्ति सेतेबेले तो लॉकडाउन नथिला कि सेतेबेले महामारी कोरोना मध्य नथिला जो कथा कहउचंती ता माने लॉकडाउन बेले कोरोना बेले जदी पिला को चोरी करके नहीं जाय जीव ताहले पुलिस किसी कार्यानुष्ठान नबनी पुलिस खोजिबनी ऑपरेशन करिबनी एथि पई जे कोरोना लॉकडाउन हैची बा बढ़िया चमत्कार ये तो बढ़िया एक्सप्लेनेशन दउचंती जे शिशु सुरक्षा अधिकार शिशु अधिकार सुरक्षा जहाँ दायित्व से कहउचंती लॉकडाउन आउ पई ये सब बंद थिला ये बड़ा आश्चर्यजनक रिमार्क दौंती। रश्मिरेखा मैडम आप रिएक्शन ने भी तमें लॉकडाउन रे पिला चोरी करके समस्त नहीं जाते ताले किसी कहीं कर न था एक कहते से देखु कथार जहाँ आज लगुला मुझे सहित कथा बेले आम टीम जो कथबार्ता करते सी आज्ञा 25/5/2018 से सीट्रे बसिले पाखे कौन सी डाटा ना राज्य में केते शिशु गायब अच्छा केते शिशु फेरिले कड़े गले कौन सी डाटा ना तो सीट्रे से प्रथम कथा बसी कौन पाई आउ गोटे कथ मन को आस पचारूँ ये शिशु मैंने सब कड़े गले आप हिसाब रखिंट जानते आज्ञा मुझक कही रखुचे राज्य में बर्तमान शिशु निखेज ओडिशार स्थान आगे अच्छी किंतु केरल 94% शिशु बैक कर घर को बाहुड़ आसी किंतु इटि कहीं ओडिशा कौन पाई कि शिशु को खोजा जाए ताले ये स्माइल कौन पाई कि मुस्कान कौन पाई ये परी जो बुलाऊ रथ नवीन बाबू ये कौन पाई कि चलती ये प्रहसन ताने कौन ये कोविड आल देख कि आम पिला आम छुआ मैंने गायब हो जाए ये सरकार प्रयास करेन ताल ये 21 वर्ष अंधारी शासन कौन पाई चली ये जवाब रखे कि मैडम मैडम तो किसी जानती मैडम से टिके जाई थिला आज्ञा घंटा घोड़ाइया पई मैडम कर मुह एबे बंद अछि मैडम किछ जानंती नै सी रखिबे कोन उपस्थापन कोन करिवे से त मुखपत्र हिसाब रे जहां तांको कुहाई थिला से गले सेठी कहि देले मैडम जदी मानु चंती जे वर्तमान शिशु बळि दिया जाई छि ताले मैडम कहउचंती परिके बळि दिया जाई छि ताले राज्य रे वर्तमान जेते शिशु अछंती जेते शिशु गायब होई जाई छि ताले तांको बळि जाई छि मैडम ए प्रथा को फूणी ओडिसा रे ये कुशासन प्रथा को फूणी थरे मैडम संध्यावर्ती मैडम ओडिसा रे दोहरिया पई चाहउचंती ये कथा को ताले स्पष्टीकरण
ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ଯେ ଇଏ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ସବୁ କୁଶାସନ ପ୍ରଥା ଭିତରେ ଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏ ଯୋଉ ଆଖି କିଡ଼ନୀ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରାଯାଉଛି ଇଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବଳି ପାଇଁ ଧିକ ଇଏ ଏଭଳିଆ ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା 4.5 ମସଲା ଥିଲେ କେଉଁଠି ଯେ ହଠାତ୍ କିନା ଆପଣ ପରିଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଛି ନ ଦେଖି ନ ଶୁଣିକି ଯେମିତି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ସେଠି କହିଦେଲେ ବଳି ତା ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ମାନେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେଠି କଳ୍ପିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ହାଡ଼ ମିଳିଛି ତା ଆଖି ନାହିଁ ତା କିଡ଼ନୀ ନାହିଁ ତାର ଚୋରି ହେଇଛି ଇଏ ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାକେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବାବୁଲି ନାୟକ ସହିତ ଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆମ ସହିତ ପିହୁର ମା ପିହୁ ଯେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟା ଭିତରେ ପୁଲିସ ଆସିଛି ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଆସୁଛି ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ତ ଆସୁନି କାହିଁକିନା 5 ମାସ ହେଲାଣି ହାତ ଗୋଡ ଯାକି ବସିଥିଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିମୁ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମର ଫୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି 5 ମାସ ଯେହେତୁ ବସିଯାଇଥିଲେ ନା ମୋନାଲିସା ନାଇଁ ଏସପି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଡିସିପି ଆସିଥିଲେ ଆଇଏସି ସାର ଆସିଥିଲେ ନହେଲେ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କେସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଯୋଉ ଥାଟୋଇ ସାର କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ କେସଟା ସେଥିଲାଗି ସିଏ ମୁଁ କରୋନାରେ ପୀଡିତ ଥିଲି ଆଇଏସି ସାର କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦେଇଥିଲି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଟିକେ ଅବହେଳା କରିଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ହାତକୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବୁ ଓକେ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ପୁଲିସ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲା ନାଇଁ ଶୁଣୁନଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ମତେ କହିଛନ୍ତି କି ବାରମ୍ବାର ଆସି କାହିଁକି ବଦନାମୀ କରୁଛ ତାଙ୍କ କନେଷ୍ଟବଲ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏଇଆ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ତ ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା ସେଇଥିଲାଗି ତ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ଗରିବ ଆମର ବି ବଞ୍ଚିବାର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ ପିହୁର ମା ଯିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପୁଲିସ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଇଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଚୋରି ହେଇଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ପରିବାର ଗରିବ ଘରର ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗରିବ ପିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କ'ଣ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ପରିକେସରେ ବି ସେୟା ହେଲା ତାଙ୍କ ମା ବି ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଲାନି ଯେହେତୁ ତା ବାପା ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ତା ମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କର ଏଠି ପିଲାଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଛୋଟ ଅଘଟଣ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ବୋଲି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ତ ଭୋଟ ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ତ ନବୀନ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଶାସନ ଗାଦିରେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାହାକୁ କହିବେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଥାନା ବାବୁ କହିବେ ବାବୁମାନେ ବାର ବାର କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଆସୁଛ ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଯିବେ ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ କି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ନିରବତା ସାଜିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଙ୍ଗ ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପିଂ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କାହାର କିଡ଼ନୀ ତାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ଏଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବ ଦଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଥାନାକୁ ବାର ବାର ଗଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନା କରୁଛ ଏଇ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କର ସୋଦାମିନ ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଟର୍ଚର ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଟର୍ଚର
ଯୋଉଭଳିଆ ଥାନା ବାବୁ ଥାନା ଆଇଏସିଙ୍କର ଯୋଉଭଳିଆ ଟର୍ଚର ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉଠି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପିଂ କରିକି ନିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ବାପା ମାଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଗରିବ ଅଟୋବାଲାର ପିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି, ଗରିବ ଚାଷୀର ପିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନଙ୍କ ପିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ବାବୁମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଶାସନ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଜି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସୁରେଖା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯିଏ ପରୀର ମା ଏବଂ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯିଏ ପିହୁର ମା, ସେମାନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏକଥା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଟିକେ ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ? ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ସେ କାହିଁକି ଲେଖିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହଉ ବୋଲି? କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲାନି ଅପରେସନ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତା ମାନେ କରୋନା ହେଲେ, ଲକଡାଉନ୍ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ଆସିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବ ଆଉ କେହି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ବସିଯିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ସେୟା କହିବା କଥା, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ବରାବର ଏଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ, 4000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଏ ନେଲା? ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ନୁହଁ ତ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସରକାର ଆଉ ପୁଲିସ ନାହାନ୍ତି ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର କିମ୍ବା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ତ ତାର ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖାସ କରି ଅର୍ଗସରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ସେଠାକାର ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଏବଂ ସେଠାକାର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀର ବାପା ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ତାପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯେ ମାଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଗସ ବଡ଼ କରିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଅଘଟଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ଚୋରିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ଅର୍ଗସ ଏ ଖବରକୁ ବରାବର ଆଣୁଥିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଯେ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉ। ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।